सर सबसे पहले तो सर काफ़ी हाइप था कि सर साथ सैटरडे संडे को रिज़ल्ट आया पर रिज़ल्ट शो हुआ मंडे को तो मैं कॉन्टिन्यूसली रिफ़्रेश कर रहा था पेज तो उस टाइम मेरी मदर वॉशरूम में थे तो मैंने स्क्रॉल किया तो पी डी एफ शो होगी सर मैंने जैसे डाउनलोड okay. किया अपना नाम टाइप किया तो उधर मेरा नाम फ्लैश हुआ विद फोर्टीथ रैंक okay. सर मुझे एक्सपेक्ट नहीं था मेरा सिलेक्शन होगा पर जब फोटी रैंक लिखा तो सर मैं काफ़ी इमोशनल हो गया मेरे मदर भी इमोशनल हो गए तो मेरी मदर को हक किया और हम जोर से मैं ज़ोर ज़ोर से रोया भी था उस टाइम पर hello everyone lack of the students write this examination and only few are able to crack it that is upsc engineering services examination and one such topper is here with us on chamomile tv toppers an initiative by unacademy i am jaspal singh your host for today an educator for civil engineering on unacademy plus and today with us we have amarjeet singh who secured 40th rank in engineering services 2020 सो आई वेलकम यू अमरजीत थैंक यू सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर अचीवमेंट थैंक यू सर अमरजीत आप ये बताएंगे कि जब आपका रिज़ल्ट आया yes, आपके सामने उस समय कैसी फीलिंग थी सर सबसे पहले तो सर काफ़ी हाइप था कि शायद सैटरडे संडे को रिजल्ट आया पर रिजल्ट शो हुआ मंडे को okay. तो मैं कॉन्टिन्यूसली रिफ्रेश कर रहा था पेज तो उस टाइम मेरी मदर वॉशरूम में थे तो मैंने स्क्रॉल किया तो पी डी एफ शो होगी सर मैंने जैसे डाउनलोड okay. किया अपना नाम टाइप किया तो उधर मेरा नाम फ्लैश हुआ विद फोर्टीथ रैंक Okay. सर मुझे एक्सपेक्ट नहीं था मेरा सिलेक्शन होगा पर जब फोर्टीथ रैंक लिखा तो सर मैं काफी इमोशनल हो गया मेरे मदर भी इमोशनल हो गए तो मेरे मदर को हक किया और हम जोर से मैं जोर समय जोर से रोया भी था उस टाइम पे तो सर गया वो गया। काफ़ी इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए एग्जैक्टली exactly, बहुत ही इमोशनल और प्राउड मोमेंट था yes, आपके sir. लिए और आपकी फैमिली के लिए सो वट वॉज योर स्ट्रेटेजी फॉर द इंटायर प्रिपरेशन ऑफ दिस इंजीनियरिंग सर्विसेज मतलब कैसे आपने डिसाइड uh, uh, किया कि मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई सर मैम अपने थर्ड ईयर में थे तो हमारे बैच के ही सीनियर थे हमारे 2017 बैच के okay. शुभम पवार उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में रैंक हासिल किया था ओके okay. तो सर उन्होंने काफी इंस्पायर किया मेरे को और उनसे मैं चैट भी करता था और काफी रिप्लाई भी करता था सर तो उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया फाइनल ईयर के बाद कि मैं प्लेसमेंट में तो बैठूंगा नहीं और मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज ही करैक करना है okay. ओके तो सर जून में हमारा बीटेक कंप्लीट हुआ और जुलाई में ही हम सर दिल्ली आ गए थे प्रिपेयर करने के लिए ओके तो सर अब इंजीनियरिंग सर्विसेज का सर इतना वास्ट सिलेबस है तो हमारे पास सिर्फ हार्डली फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव एंड हाफ मंथ्स थे प्रिपरेशन के लिए तो सर जितना हो सका हमने किया बट ड्यू टू तो लैक ऑफ प्रिपरेशन मेरा प्रीलीम्स दस मार्क्स से नहीं हो पाएगा ओके okay. तो सर जब आप फर्स्ट स्टेज में ही नहीं क्लियर कर पाते तो कहीं ना कहीं आपको रहता है कि एग्ज़ाम आपके लिए है भी कि आप क्रैक भी कर पाओगे पर उस टाइम पर सर फैमिली की बहुत सपोर्ट थी सर मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ बट फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया उनके विश्वास तो सर मेरे पे कि मैंने पूरा ट्राई किया सर इस बार लॉकडाउन की वजह से सर प्रिपरेशन भी प्रॉपरली काफ़ी हिंडर हुआ था पेपर भी पोस्टपोन हो रहे थे पर exactly. मोमेंटम मेंटेन करके रखा और सर फाइनली विद गॉड ग्रेस मैंने इंजीनियरिंग सर्विस क्रैक कर ही दिया सर ओके okay. uh, तो आप बताएंगे कि आपकी स्कूलिंग uh, और ग्रेजुएशन कहाँ से हुई थी सर मेरी स्कूलिंग टेंथ तक शिक्षा निकेतन गांधीनगर से हुई है जो जम्मू में है सर फिर सर ट्वेल्थ तक शिक्षा निकेतन जीवन नगर में हुई है सर फिर मेरी ग्रेजुएशन 2018 में एन आई श्रीनगर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक कंप्लीट हुई थी मेरी सर तो किस तरह के स्टूडेंट थे आप मतलब पढ़ाकू टाइप या चिल मारने वाले सर ट्वेल्थ तक तो काफ़ी पढ़ाकू था पर जब ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई तो कुछ ज़्यादा चिल मार दिया सर पूरी okay. ग्रेजुएशन ही चिल में निकाल दी सर उसकी वजह से शायद थोड़ा लेट हुआ और पहले भी क्लियर हो सकता था एग्ज़ाम ओके okay. तो मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे एस्पिरेंट्स को जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कब से वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें सर मेरे हिसाब से ये प्रिपरेशन आप अपने कॉलेज से ही कर सकते हैं कुछ सर इसके अलग से प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है जैसे सेकंड ईयर से आपका जो आपकी फील्ड होती है उसके क्वेश्चन सब्जेक्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं तो आप उसको ही प्रॉपरली पढ़ें सर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें कोई मटीरियल आपको बाहर से लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है सर आप स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स बनाएं उसको डेडिकेटली पढ़ें और जब आप अपने फाइनल ईयर में आएँ तो सर जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है उनको भी प्रिपेयर करें और टेस्ट दें सर जैसे आप टेस्ट देंगे आप हो सकता है स्टार्टिंग में आपके बहुत कम मार्क्स आ रहे हो तो उससे डिमोटिवेट ना एनालाइज करें इंप्रूव करें और फाइनली आप अचीव जरूर करेंगे सर ओके सो मतलब प्रिपरेशन हमें कॉलेज के टाइम से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए सर ये डिपेंड करता है अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज कब आई जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज की नॉलेज हमें लेट आई थी तो हमारा लेट प्रिपरेशन हुआ अगर आपको Okay. स्टार्टिंग से इस चीज़ की नॉलेज और आप करना चाहते हैं तो सर मेरे हिसाब से तो आपको कॉलेज के साथ ही स्टार्ट करना चाहिए अच्छा मतलब प्रिपरेशन हमारी तब स्टार्ट होगी जब हमें इसके बारे में पता चल जाएगा शर, थोड़ा सर थोड़ा नॉलेज होगा सर जब एक्जैक्टली एग्जैक्टली और आज के टाइम पे इसी नॉलेज की आ, आ, कमी होती है स्टूडेंट्स को कि इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसा एग्जाम एग्जिस्ट भी करता है yes, और उसकी प्रिपरेशन हम कॉलेज के साथ भी कर सकते हैं सो वेरी ट्रू सो अमर आप ये बताएंगे कि आ, आ, आपने जो तैयारी करी उस तैयारी के अंदर इस पूरे प्रोसेस को ब्रेक कैसे किया मतलब प्री की प्रिपरेशन मेंस की प्रिपरेशन और फिर इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी थी उसको कैसे बाईफरगेट किया सर जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में तो सर जब स्टार्ट किया तो टाइम कम था तो सर उस टाइम पे तो एक रफली एक आइडिया लगा था सब्जेक्ट का ओके जब मेरा प्री कॉलिफे नहीं हुआ तो सेकेंड टर्म में सर मैंने स्टैंडर्ड बुक्स ली जो मेरे कॉलेज के स्टैंडर्ड बुक्स थी सर उनको पढ़ना शुरू किया अब सर हम करते गए कि फिर मैंने जो मेरा पहले से मटेरियल था ए फोर शीट ली जो मुझे न्यू टॉपिक्स लगे जो इंपॉर्टेंट थे उनको ए फोर पर लिखा और फिर मैंने उसका एक ही स्टडी मटेरियल बनाया ताकि माइंड को प्रिपेयर कर दिया कि मुझे ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी ओके okay. ये कंसाइज मटीरियल मेरा मुझे इसी को रिवाइज करना है और सर उसको मैंने बार बार रिवाइज किया सर मेन्स के लिए सर मैं क्योंकि प्रीलीम्स सर फरवरी में रिजल्ट आ गया था और नेक्स्ट जनवरी में प्रलियम्स था तो सर काफ़ी टाइम था मेरे पास तो मैं मेंस के भी सर क्वेश्चन साथ साथ में प्रैक्टिस करता था प्रीवियस ईयर अवेलेबल होते हैं सर ओके okay. उसके क्वेश्चन सॉल्व किए तो उससे कॉन्फिडेंट आता जब आप कन्वेंशनल की तैयारी करते हैं तो सर आपको उसकी प्री की भी हेल्प मिलती है सर इसकी हेल्प मुझे इस तरीके से हुई क्योंकि सर इस टाइम जब रिजल्ट आया सर सर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनके थ्री प्लस टच करने के बाद भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया okay. जबकि प्रीलिम्स और इंटरव्यू में मेरे काफ़ी कम मार्क्स थे टू फिफ्टी सेवन पर में थे और हंड्रेड ही इंटरव्यू में थे okay. बट मेथ के प्रिपेरेशन में वैसे मैंने फोर फिफ्टी फाइव स्कोर किया उसमें सिक्स हंड्रेड से okay. जिसकी वजह से सर मेरा फोर्टीथ रैंक आ पाया तो सर मेथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रिपेरशन के लिए तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे उनके क्वेश्चन जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं सर प्रीलिम्स अपने आप आपका प्रिपेयर हो जाता है क्योंकि आपको डीप नॉलेज आती है उस चीज़ की ओके okay. तो सर मैंने अक्टूबर तक मेथ साथ साथ में किया फिर लास्ट के थ्री मंथ्स मैंने सिर्फ प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज लगाई ओके okay. जिसने मुझे सर काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया था कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊँ तो मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें प्री pre की प्रिपरेशन अलग करनी है क्योंकि बच्चों के माइंडसेट सेट होता ही है ये कि सर हम प्री की तैयारी कैसे करें या मेंस की तैयारी कैसे करें तो ऐसी कोई बाइफर्गेशन है कि हम एक ही तरीके से दोनों को अप्रोच कर सकते हैं नहीं सर अगर हम ब्रेक डाउन करें तो सर प्रीलिम्स में सर सर जो डिफरेंट है वो पेपर वन है टू मार्क्स का ओके okay. जिसको हम नॉन टेक करते हैं सर वो काफ़ी डायनामिक है उसके प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते हर साल क्वेश्चन नहीं आएंगे और मेंस जो है सिक्स हंड्रेड का है और थ्री हंड्रेड का पेपर टू okay. तो सर नाइन हंड्रेड वेटर्स सिर्फ हमारे टेक्निकल की है तो मैं पेरेंट्स को कहूंगा पहले आप अपना टेक्निकल प्रिपेयर करें ओके okay. सर टू थाउजेंड सेवनटीन के बाद ये का ऐसा पैटर्न आ गया कि आप कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते स्टार्टिंग okay. में हम कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट करते थे सॉइल इन्वायरमेंट कर दिया बिल्डिंग सर सॉम कर दिया स्ट्रक्चर कर दिया हम सोचते okay. थे क्लियर हो जाएगा सर कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते तो पहले आप

क्योंकि तो आजकल ऐसा बहुत अवेलेबल होता है कि 100 दिन में प्रिपरेशन पूरी हो जाती है या 200 दिन में प्रिपरेशन पूरी करा देते हैं ऐसा कोई शॉर्टकट है इसको करने का सर 100 दिन में तो इंजीनियरिंग सर्विस का सिलेबस समझ नहीं आएगा आपको अच्छा सर, इतना वास्ट सिलेबस है इसका सर सर इसके ट्रिक कोई नहीं है सर हार्ड वर्क ही है इसका एक पूरा okay, यूपीएससी ने पूरा स्पैन तभी बनाया हुआ है पूरा एक साल लग जाता प्रोसेस को तो वो चेक स्टूडेंट का पेशेंस ही करते हैं कि वो कितना पेशेंस क्योंकि सर आप किसी भी स्टेज में बाहर होंगे आपको वापस से लूप स्टार्ट करना पड़ेगा ओके okay. तो आपको पहले से माइंड बनाना पड़ेगा कि मुझे यहाँ टाइम लग सकता है अगर आप सोचेंगे कि मैं एक अटेम्प्ट के लिए करूंगा या दो अटेम्प्ट के लिए तो सर आप इंजीनियरिंग सर्विस कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे ओके आपको सब इस... का बहुत जरूरत है मतलब बैक ऑफ दी माइंड आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एक से दो साल हमें लग सकते हैं इस पेपर को क्रैक करने में सर मेरी एग्जाम्पल जैसे संडे को मेरा रिजल्ट आया मेरे को कॉन्फिडेंट कम था क्योंकि इंटरव्यू मेरा इतना अच्छा नहीं गया था तो सर मैंने सैटरडे को ही मटेरियल इकट्ठा कर लिया था प्रीलिम्स का वापस अच्छा दोबारा देने के लिए यस प्रीलिम्स की तैयारी कृपा okay. से की करूंगा। पर, सर, की सर, मेरा बारे में क्लियर हो तो मैं लूप से आ गया तो okay, okay. अपनी प्रिपरेशन को छोड़ना नहीं है कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है आप बताएंगे कि इस पूरी जर्नी में आपकी आपके फैमिली मेंबर्स का क्या रोल रहा सर फैमिली मेंबर्स का तो सर बहुत ज़्यादा रोल रहा था सर जैसे कि फ़ाइनेंशियल सर मेरी सिस्टर है यूएसए एस ए में फाइनेंशियल सपोर्ट उन्होंने किया इमोशनल मेरे पेरेंट्स सर हमेशा मेरे साथ रहे थे okay. अगर मैं गलती से बात कर दूँ कि मम्मा मेरे से कोई दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ तो नॉर्मली पेरेंट्स बोलेंगे हाँ तो जॉब ले रहे मेरी मम्मा बोलते नहीं तो इस एग्जाम को क्रैक करना चाहता है तो इसी के लिए प्रिपरेशन कर बाकी सब जॉब फाइनेंशियल कंडीशन हम हैंडल कर देंगे तो उनका सर बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट रहा था मुझे ओके okay. मतलब वो हमेशा आपके साथ थे इस पूरी, पूरी जर्नी के अंदर ओके okay. और आपके कोई फ्रेंड्स हो जिन्होंने आपकी हेल्प करी हो इस पूरे प्रोसेस में सर इस साल का ये रैंक सिक्स हैं गुरतेय सिंह हां एग्जैक्टली उन्होंने टैग भी किया था आपको यस सर यस सर तो लास्ट सेशन हमारा उन्हीं का था सो ही वाज इवन टू टैग यू यस सर हम इकट्ठे से स्टार्ट हुए थे प्रिपरेशन करना पहली अटैप्थ में वो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे थे okay. पर वो कॉन्टिन्यूसली मेरे से उससे चैट होता रहता था जैसे क्योंकि उसको मेरे से एक्सपीरियंस ज्यादा था मीनस लिखा था तो सर उसने हमेशा हेल्प किया मेरे को okay. सर उसके बाद सर मेरा एक फ्रेंड हुआ रहा सुधांशु महाजन सर हम okay. तीनों इकट्ठे थे पर किसी कारण बस इस बार उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया हम होपफुली नेक्स्ट ईयर वो अच्छे रैंक से क्वालिफाई करेगा okay, तो हम तीनों साथ में ही थे हमेशा टच में रहते थे तो वो काफ़ी सपोर्ट थी सर मेरे को एक्चुअली uh, क्या है कि कॉलेज में uh, मैं पढ़ता नहीं था वहाँ पे आई वॉज नॉट अ स्टूडियस टाइप ऑफ गाय बट हाँ लास्ट के शुरू के दो तीन दिन पढ़ के एग्जाम से पहले मैं पेपर क्लियर कर लेता था एंड एज़ यूजल जैसे हम लोग नोट्स ही बनाते हैं मैं भी नोट्स ही बनाता था और जो टॉपर हमारे बैच की लड़की थी वो सारे नोट्स प्रिपेयर करती थी वो सारे नोट्स प्रिपेयर करती थी एंड शी यूज़ टू स्टडी इन द लाइब्रेरी तो अपना बैग लाइब्रेरी के बाहर रख के जाती थी वहीं पे हमारा एक पर्टिकुलर स्पेस थी जहाँ पे आपको सारा सामान छोड़ के जाना है और एक बुक लेके जानी है अंदर पढ़ने के लिए तो so, उसका पूरा बैग बाहर पड़ा रहता था सो वॉट वी यूज़ टू डू उसके बैग में सारी से सारी बुक्स निकाल के हम उसको फोटो करवा लेते थे फिर बुक्स को वापस उसके बैग में रख देते और नेक्स्ट डे पूरा कॉलेज हमारा उसी की फ़ोटो से पढ़ रहा होता था एंड एग्जाम uh, से जस्ट पहले वो देखती थी कि सबके पास मेरी फ़ोटो कापी है एंड शी यूज़ टू गेट शॉक कि ये कैसे हो गया ये तो मेरे नोट्स ही चल रहे हैं ये कहाँ से मिले तुम्हें तो हम उसे मॉक करते थे कि ये नोट्स मिल रहे हैं फोटोकॉपी की शॉप पे आप भी जाके ले सकते हैं सो so, अमर uh, आप ये बताएंगे एस्पिरेंट्स को अपने कि uh, आप कितना टाइम डिवोट करते थे अपनी प्रिपरेशन के अंदर uh, पूरे दिन का आपका शेड्यूल क्या रहता था क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई एक पर्टिकुलर डे पे अपने टारगेट को फुलफिल करने के लिए सर नॉर्मली तो सर प्लान सब बनाते हैं मैंने भी बहुत बनाए सर बहुत फेल भी हुए फिर रिशेड्यूल किया सर दरअसल मेरे हिसाब से कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है सर एग्ज़ाम की सर okay. ह्यूमन नेचर है सर हमारा सर हम कभी कभी ऐसा होता था कि दिन के दस घंटे पर पढ़ लेता था और कभी कभी सिर्फ तीन घंटे पढ़ने होता था तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप रोज़ दस घंटे पढ़ें बट आप कॉन्टीन्यूसली पढ़ते रहें बीच में ऐसा ना हो कि दो दिन पढ़े सर तीन दिन पढ़ाई नहीं की सिर्फ कॉन्टीन्यूटी टूट जाता है तो सर जैसे जिस दिन मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था उस दिन सर मैं टेस्ट दे देता दे था अच्छा आग आज मेरा सपोर्ट करो सर सुबह उठे सर मूड नहीं है सर पढ़ने का है ना सर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो मैं थोड़ा ब्रेक लेके कोई भी टेस्ट सीरीज उठाई उसका कोई भी अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट था सर मेरा जैसे मेरा सर सॉइल बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था सर मेरा तो उसका टेस्ट ले लिया उसका टेस्ट लगाया जब पता चल गया स्कोर अच्छा आया तो सर मूड अच्छा हो गया फिर okay. शाम को पढ़ाई शुरू कर दी ओके okay. तो स्विंग्स को मैं अल्टर करता रहता था प्रिपरेशन के साथ मतलब कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी हमें भी अपनी भी पूरी प्रिपरेशन के अंदर और बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है एक्सपीरियंट्स को वो यहीं पर ही आती है कि अगर कोई एक ऐसा गैप आ जाता है बीच में प्रिपरेशन के अंदर तो वो डिमोटिव बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो गया है सो दिस इज़ नॉट द वे अगर आपका कोई बीच में गैप आता है कोई लैग आता है यू टू अगेन बकअप आपको दोबारा से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है भले ही भले ही आप उसी पेज से नहीं कर पा रहे जिस पेज से आप करना चाहते हैं बट यू टू डोंट ब्रेक योर कंटिन्यूटी अमर अब आप यह बताएंगे कि uh, आपने कोई स्पेसिफिक मटीरियल फॉलो किया था या कोई स्टैंडर्ड टेक्सट बुक्स फॉलो करी थी uh, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सर फर्स्ट अटैप्ट में तो सर इतना टाइम मिला नहीं था तो सर जो क्लास नोट्स होते थे सर उसी को मैं कवर कर पाया पर सर जब प्रिलिम्पस आया तो पता चल गया क्लास नोट से आप करेक्ट नहीं कर पाओगे फिर क्योंकि सर वो उनके पास भी टाइम बाउंडेशन होता है वो आपको पूरा कवर नहीं करा पाते फिर सर सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पकड़े ओके सर जो हमें सबको कॉलेज में नॉर्मली सेम स्टैंडर्ड बुक्स पता होते हैं सर वो बुक्स पकड़े उनमें देखा काफ़ी कुछ मिस था सर सिलेबस लिया सर फर्स्ट अटैम्प्ट में ये गलती हो गई थी कि मैंने सिलेबस देखा ही नहीं था अच्छा मैं ब्लाइंडली फॉलो कर रहा था कि जो पढ़ा रहे हैं कि यही बस पर सर वो बहुत बड़ी गलती है एग्जाम को स्टार्ट करने से पहले आपको उसका सिलेबस थोरोद होना चाहिए सर क्योंकि कभी कभी यूपीएससी ऐसा है सर तीस साल से एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आ रहे अगले साल उसके दस क्वेश्चन आ जाएंगे अगर आपने वो मिस किया तो आपके दस सवाल और आपका कॉन्फिडेंस वहीं प्रीलिम्स में खत्म हो जाता है इस तो इस सेम चीज़ मेरे साथ फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ था पर सेकेंड अटैम्प्ट मैंने ये गलती नहीं की सर मैंने सब बुक्स के स्टैंडर्ड बुक्स सभी चैप्टर्स के स्टैंडर्ड बुक्स पकड़े और उनको थोरोली पढ़ा पूरा बुक तो पढ़ नहीं पाएंगे पर सर आपको पढ़ते पढ़ते आइडिया लग जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस सर आपके पास होता ही है सर टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल है कुछ क्वेश्चन मिस होंगे वो टेस्ट सीरीज में आएंगे फिर टेस्ट सीरीज में अगर को कोई क्वेश्चन आया आपको नया टॉपिक मिला उस टॉपिक को ए फोर शीट पर लिखा और उसको स्टिक कर दिया अपनी स्टैंडर्ड बुक से सर वही रिविज़न okay. मैं शेड्यूल थ्रू आउट फॉलो करता रहा ओके okay. एक बहुत ही अच्छी बात बोली आपने अमर कि जब हम पास्ट ईयर का पैटर्न स्टडी करते हैं और उसके बिहाफ ही अपनी तैयारी करने लग जाते हैं बट यू पी एस सी फेमसली इसको बोलते भी हैं अनप्रडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए यहाँ पर uh, हमें अपनी प्रिपरेशन को पूरा रखना पड़ता है यहाँ पे इसको क्रैक करने के लिए सर so, सो uh, बहुत ही बहुत ही अच्छी चीज़ आपने पिन करी यहाँ पे एक्सपीडेंट्स के लिए uh, अमर आप ही बताएंगे कि आपकी इस पूरी प्रिपरेशन में uh, टेस्ट सीरीज़ की कितनी सिग्निफिकेंस थी सर मैं कहूँगा सर सेवेंटी परसेंट जो मेरे को हेल्प किया वो टेस्ट सीरीज़ नहीं किया सर okay. सर अब एक मटेरियल को दस बार पढ़ लो सर आप नहीं कॉन्फिडेंट हो पाओगे कि आप एग्ज़ाम के लिए बने क्योंकि सर उस एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और ओ एम आर शीट भी भरना है तो सर मैं जो घर पे टेस्ट देता था टाइमर लगाता था सर और ओ एम आर शीट को डाउनलोड करता था okay. क्योंकि मुझे पता था कि ओ एम आर शीट फिल करने में भी टाइम वेस्ट होगा ना उसको सर लास्ट में फिल कर सकते हो ना आप एक क्वेश्चन के बाद फिल कर सकते हो okay. सर मैं एक पेज पे जितने क्वेश्चन करता था अगर टू सर टू साइड पेजेस होते थे उस उतने क्वेश्चन को मार्क कर दिया फिर नेक्स्ट पेज पे गए तो सर वो प्रैक्टिस मैंने घर से ही की थी सर मैंने प्रीलिम्स के मिनिमम मिनिमम ट्वेंटी टेस्ट दिए थे सर एक्चुअल okay. एग्ज़ाम से पहले तो उसने कॉन्फिडेंस बूस्ट किया क्योंकि मेरे स्कोर इंक्रीज़ होते रहते थे पर एक्चुअल एग्ज़ाम okay. में पेपर वन की वजह से मैं इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया था okay. पर उसको मैंने कवर अप मेंस में पहले प्रिपरेशन में कर चुका था क्योंकि मैंने मेंस को अच्छे से प्रिपेयर किया था okay. इस वजह से सर मेरा सिलेक्शन हो पाया ओके okay. तो ये टेस्ट सीरीज़ की मतलब जो हमारा क्राइटेरिया होता है जो एम होता है वो बस ये है कि हम जो पढ़ पाए उसको हम रिप्लीकेट कर पा रहे हैं या रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे या उससे हमें कुछ गेन भी होता है सर बिल्कुल गेन होता है सर क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में आपको हर हाँ टेस्ट में कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे और वही आपके साथ एक्चुअल एग्ज़ाम में भी होता है okay. तो जब आप न्यू क्वेश्चंस को टेस्ट सीरीज में टैकल कर पाओगे तो उसको आप एक्चुअल एग्जाम में भी टैकल कर पाओगे सर ऐसा नहीं होगा कि जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है वही एग्ज़ाम में आएगा तो कुछ न्यू टॉपिक्स भी आएंगे अगर एक कोई टॉपिक आया जो जो आपने नहीं पढ़ा हुआ आप टेस्ट सीरीज में देखोगे फिर उसको स्टैंडर्ड बुक से रेफर करोगे उसके नॉलेज लोगे जब वो एक्चुअल एग्जाम में आएगा तो उस ईजिली सोल्व कर पाओगे सर तो टेस्ट सीरीज़ okay. सर पर टेस्ट सीरीज को एनालाइज़ करना भी बहुत जरूरी है कहीं सर मैंने भी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था टेस्ट दे दिए मार्क्स चेक कर लिए फिर उसको वहीं पे साइड पे छोड़ दिया उसको एनालाइज नहीं किया सर टेस्ट एनालाइज करना बहुत जरूरी है किसी भी प्रिपरेशन में आपको सक्सेसफुल होने के लिए अमर आपने और भी कोई एग्जाम क्लियर किया इंजीनियरिंग सर्विस के अलावा सर मेरा गेट ट्वेंटी में वन रैंक आया था बट आई यू सी एल में मेरा फाइनल सिलेक्शन डेढ़ मार्क्स से रह गया था ओके okay. बट सर फिर कोल इंडिया का एक सेपरेट एग्जाम हुआ था सी बी टी और इंटरव्यू सर जिसका इंटरव्यू कोलकाता में हुआ था सर वो उस एग्जाम को मैंने फाइनली क्रैक किया था okay. तो कोल इंडिया में, में मेरा प्लेसमेंट अभी हो चुका था इंजीनियरिंग सर्विसेज के रिजल्ट के एक हफ्ता पहले कोल इंडिया का रिजल्ट आया था जिसमें मेरा okay. नाम था सर ओके okay. तो मतलब आपने सी आई एल भी क्रैक कर रखा यस सर ओके तो आ, उसकी ज्वाइनिंग आ गई आ, सर कि... अभी तो उन्होंने प्रेफरेंस मांगे टॉप Okay. नहीं, सर, तो मतलब आपने, आ, बिना ही पूरा टाइम डिवोट किया अपनी सर, के सर। अमर आप ये बताएंगे कि इस पूरी प्रोसेस प्रिपरेशन करते थे अपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज की वो गलतियाँ जो दूसरे एक्सपीरियंस ना करें सर।, सर सबसे पहले मैंने बता दिया सर की कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं नाम कोई भी जनरल कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें सर क्योंकि okay. उनके पास भी एक टाइम बाउंडेशन होता है अगर आप समझो कि मैं यही पढ़ के क्रैक कर दूंगा तो आप कभी क्रैक नहीं कर पाओगे एग्जाम okay. क्रैक आपको स्टैंडर्ड बुक्स ही करवाएंगी क्योंकि सर बहुत सर इस बार का सर को रिजल्ट देख लीजिए सर एट हंड्रेड सेवन कट ऑफ गया है सर एक एक मार्क पे एक एक मार्क पे रैंक आए हैं सर एक एक मार्क पे रैंक आए तो सर वो जो बच्चे हैं वो सिर्फ मटेरियल पढ़ के क्रैक नहीं कर पाए होंगे एक्जैक्टली सर आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना ही पढ़ना है और सर दूसरा रिविज़न सर एक बार पढ़ के आप

टू थाउजेंड है। है, uh, 2011 में मैंने क्रैक किया था इंजीनियरिंग सर्विसेज तब मेरे मेरे को एग्जैक्टली मार्क्स ध्यान नहीं पर फाइव थर्टी फोर या फाइव थर्टी सिक्स मार्क्स से मेरे उस समय तो फाइव थर्टी फोर पे मेरी फोर्थ रैंक आई थी उस समय तो यहीं से हम आइडिया लगा सकते हैं कि एट हंड्रेड मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं हो रहा और आज से कुछ साल पहले पाँच सौ नंबर पे टॉप टेन में रैंक आ जाती थी तो कंपटीशन का लेवल इतना बढ़ गया है कि हमें एडिशनल एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे बाकी लोगों से आगे निकलने के लिए इसका मतलब तो जो कन्वेंशनल तरीका है जो इतने सालों से चलता आ रहा है पढ़ने का उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा उसको हमें चेंज करना पड़ेगा एग्जैक्टली अब आप एक्सपीरियंस को ये बताएंगे कि ये सोचते हैं कि एक टॉपर जो होता है वो तीन घंटे के लिए चार घंटे के लिए पाँच घंटे के लिए ही सोता है और बाकी टाइम वो कंटिन्यूसली स्टडी करता रहता है नहीं सर ऐसा कुछ है आपके साथ नहीं सर सर मेरे को मिनिमम आठ घंटे नींद तो चाहिए सर सर तीन चार घंटे पढ़ के आप माइंड उतना एफिशिएंटली काम कर ही नहीं पाएगा सर सर इस एग्जाम को सात से आठ घंटे भी दें दिन के सर वो मोर देन सफिशिएंट है ओके okay. पर वो डेडिकेटेड दें ऐसा ना करें कि थोड़ा पढ़े फिर चलो कहीं चले गए वो सर कॉन्टीन्यूटी ब्रेक हो गई थोड़ा थोड़ा इंटरवल लें ब्रेक्स का पर एक कॉन्टीन्यूटी को जरूर मेंटेन करें और डेली गोल सेट करें सर जब आप डेली गोल को अचीव करेंगे तो सर वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है आपके अंदर ओके okay. सर सुबह भी एक इंसान कॉन्फिडेंस से उठता है कि हाँ मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया है आज मुझे ये करना है तो सर डेली टॉप अब और इतना ज़्यादा टारगेट भी ना देते दे जो अचीव ही ना हो पाए आपसे बिल्कुल सर अपने हिसाब से एक टारगेट सेट करें फिर उसको स्लोली स्लोली इंक्रीज करते हैं और फाइनली ये एग्जाम सर इतना टफ है भी नहीं कॉम्पिटिशन बहुत है सर बट मैं ये नहीं कहूँगा कि टफ है तो इसको अचीव कर सकते हैं बस आप एक पैटर्न फॉलो करें और टेस्ट देते रहे सर टेस्ट तो मैं बार बार कहूँगा सर बहुत ज़रूरी है एग्जाम को क्रैक एजैक्टली exactly, टेस्ट मतलब जितने भी टॉपर्स हैं उनका एक यही पॉइंट होता है कि जो हमारे टेस्ट हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के अंदर और दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है हमारी कंटिन्यूटी सो so, अमर आप ये बताएंगे कि हमारे एक्सपीरियंट्स बहुत इंटरेस्टेड होता ही ये पता करने में कि टॉपर का डेली शेड्यूल क्या होता है सर सबसे पहले तो सर उठते ही सर मेरे को एक हैवी ब्रेकफास्ट की बहुत जरूरत होती सर अपनी स्टडी okay. को स्टार्ट करने के लिए भूखे पेट पढ़ाई मेरे से हो नहीं पाती सर सर okay. ब्रेकफास्ट so, करके फिर मैंने अपने मॉर्निंग और इवनिंग का शेड्यूल डिसाइड किया होता था सर so, मॉर्निंग में पहले मैं वो सब्जेक्ट पढ़ता था जिसमें मेरा इंटरेस्ट कम होता था क्योंकि okay. तो सर मॉर्निंग फ्रेश होता है आपका माइंड तो उस पर आप फोकस कर पाते हो इवनिंग okay. में मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ता था जैसे so, मॉर्निंग में थ्योरी वाले सब्जेक्ट पढ़ दिए बिल्डिंग मटेरियल हो गया सर इन्वायरमेंट okay. हो गया इवनिंग में सर स्ट्रक्चर पकड़ लिया सॉइल पकड़ लिया ओके तो सर ऐसे मैंने डिवाइड किया होता था, था कि पूरे दिन एक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ना सर उससे बोर हो जाते हो अब एक सब्जेक्ट को अगर दिन exactly. पढ़ोगे सर पैरेलल सब्जेक्ट्स लेके चलता था मैं okay. सर फिर इवनिंग में सर वॉक हो गया या अपने या फैमिली से बातें वगैरह हो गई और okay. सर फोन में थोड़ा सर्फिंग कर लिया सर पूरा दिन बस स्टडीज में निकल जाता था सर ओके okay. तो ऐसा भी कुछ था कि पेपर वन पेपर टू के जो सब्जेक्ट्स होते थे उनको मिक्स एंड मैच कराते थे या या पहले पेपर 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 कंप्लीट कंप्लीट करना करना होता है या फिर पेपर टू करना होता है है फिर सर पेपर पे तो मैंने इतना फोकस किया ही नहीं सर क्योंकि सर क्योंकि उसका सिलेबस भी ऐसा है कि एक एक लाइन का सिलेबस दिया हुआ है अच्छा। तो अगर उसमें से ज्यादा टाइम डिवोट कर दूंगा मैंने पहले सर माइंडली प्रिपेयर किया था कि टेक्निकल का वेटेज बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू तो नॉन टेक तो नॉन टेक।, तो टेक के लिए सर मैंने एक स्टैंडर्ड मटीरियल रखा था उसी को बार बार रिवाइज करता था और टेस्ट देता था अगर इससे सर होना होगा तो सर इससे भी हो जाएगा वरना सर अब दस बुकें भी पढ़ लिया अगर नहीं होना होगा तो उससे भी नहीं होगा तो बेसिकली मैंने फोकस अपने सिर्फ टेक्निकल पोर्शन पे किया था ओके okay. सर नॉन टेक को मैंने लास्ट के वन एंड हाफ मंथ में प्रिपेयर किया था ओके okay, तो नॉन टेक को आपने बिल्कुल लास्ट में रखा होगा yes, सर अब आप ये बताएंगे जब सिलेक्शन हुआ आपका yes, आ, तो उसके बाद आ, आपके फ्रेंड्स का फैमिली का सोसाइटी का आ, कोई ट्रीटमेंट या बिहेवियर में चेंज आया हो आ, आपकी इस अचीवमेंट को लेके सर अगर कोई स्टूडेंट जम्मू दिल्ली जैसे स्टेट से एग्ज़ाम को क्लियर करे सर तो हो सकता है कि इतना ज़्यादा रिएक्शन ना हमारे okay. पर सर जम्मू से इस एग्जाम को क्लियर करना सर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है सर पहले दिन ही घर में मीडिया आया सर अच्छा तो उसको सर जब उनका लोकल चैनल था जेके मीडिया अच्छा सर उनका जब इंटरव्यू हुआ तो सर उस टाइम फादर काफ़ी इमोशनल हो गए थे सर मैं भी काफ़ी इमोशनल हुआ उसके बाद सर फ्रेंड्स के फ़ोन रिलेटिव के फ़ोन ओके okay. सर सोसाइटी वाले बहुत ज़्यादा घर पे आ गए सर जो जो फ्रेंड्स कभी सीधी तरफ बात भी नहीं करते थे उनके भी फ़ोन और मैसेजेस आना शुरू हो गए तो, तो, तो सर बिहेवियर तो काफ़ी चेंज हुआ और अच्छा भी लगा सर वो बिहेवियर का चेंज देख के एग्जैक्टली और होना भी चाहिए कि बिकॉज uh, इतना बड़ा एग्जाम आपने इतनी अच्छी रैंक से क्लियर किया तो डेफिनेटली वो एड करता है uh, हमारा जो प्रोस्पेक्टिव uh, होता है उसके अंदर yes, अमर अब आप ये बताएंगे कि uh, हमारे एस्पिरेंट्स को uh, किस तरीके से इंटरव्यू स्टेज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए सर सबसे पहले तो मैं कहूँगा इंटरव्यू सर बहुत क्रूशियल स्टेज है सर प्रिपरेशन okay. का सर इस बार का ही अगर हम लिस्ट देखेंगे मार्क्स वाला सर मैक्सिमम स्टूडेंट का वन ट्वेंटी प्लस मार्क्स है ओके okay. मेरा सर एग्जैक्ट हंड्रेड है बट अगर मेरा वन ट्वेंटी होता तो मेरा ऑल इंडिया रैंक सिक्सटीन होता ओके okay. तो सर इतना वेरिएशन इंटरव्यू के मार्क्स आपके लिए ला सकते हैं तो सर मेरी जो गलती हुई कि मैं सर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया क्योंकि सर मैंने नॉन टेक्निकल को ज़्यादा पढ़ा अच्छा बट सर सी ई एस सी का इंटरव्यू बेसिकली टेक्निकल है सर टेक्निकल ऐसा नहीं कि वो फॉर्मूले पूछेंगे या आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे सर वो फील्ड की नॉलेज ज़्यादा पूछेंगे आपसे अच्छा और सर जब हम फील्ड का पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा सर थ्योरी जो हम पढ़ते हैं और जो एक्चुअल फील्ड में प्रैक्टिकल्स होते हैं सर उसमें बहुत डिफरेंट है सर एसपी टेस्ट हो गया उसके यूट्यूब वीडियोज देख लो सर और भी पैनिटेशन टेस्ट होते हैं सर ओके सर उनके वीडियोज़ देखें सर उसकी नॉलेज गेन करें सर और अपने आप को प्रिपेयर करें मिरर के सामने फ्रेंड्स हो गए उनके सामने क्वेश्चन आंसर किए ताकि आपका सीटिंग पोस्चर कैसा है सर आप रिप्लाई कैसे कर रहे हैं सर वो okay. सब के और मॉक इंटरव्यू हो सके तो दें सर इस बार मैं मॉक इंटरव्यू एक ही दे पाया था कोरोना की वजह से सर एटलीस्ट टू टू थ्री मॉक इंटरव्यूज़ देने चाहिए हमें ओके okay. सो okay. okay. so, मतलब इंटरव्यू में ज़्यादा फोकस हमारा टेक्निकल के ऊपर होना चाहिए सर okay, और जो हमारी जनरल चीज़ें हैं उसको उसको हम इस तरीके से प्रिपेयर करें कि वो हमारे डी को जस्टिफाई यस सर सर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर जो हम डी भरते हैं सर उसमें जो आप हर पॉइंट लिख रहे हैं सर उसको ध्यान से लिखेंगे सर उस पर काउंटर क्वेश्चन आएंगे आपकी हॉबीज़ क्या हैं रैंडमली okay. ना लिखें जो आप लिटरली आपकी हॉबी है उसके बारे में लिखें ताकि उसके आपको नॉलेज रहे okay. क्योंकि सर अगर आप, आपने जो लिखा है उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे तो उसका नेगेटिव इम्पेक्ट आपके मार्क्स पे आएगा और शायद okay. वही प्रॉब्लम मेरी इस बार हुई थी अमर कैन यू टेल कि ना आखिरी के एक महीने में हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए पूरे सिलेबस को कंसाइसली कवर करने के लिए सर उसके लिए आपको हेल्प आपके शॉर्ट नोट्स करेंगे जो आपने थ्रू आउट द जर्नी प्रिपेयर किए होंगे ओके okay. क्योंकि सर अगर लास्ट का मंथ की मैं बात करूँ उस टाइम पे प्रेशर इतना होता है कि आपको जो आपने मटेरियल बनाया उसको खोलने का भी सर पहले डर लगता है हुँ. कि इतना सिलेबस रिवाइज करने का है उस टाइम पे सर आपका शॉर्ट नोट हेल्प करता है ओके okay. और शॉर्ट नोट सर जो मैं गलती की थी फर्स्ट अटैम्प्ट में जो क्लास नोट्स होते थे उसी को मैं शॉर्ट फॉर्मेट में लिख देता था सेम टू सेम और मुझे लगता था ये शॉर्ट नोट्स हैं सो शॉर्ट नोट्स ये नहीं होते शॉर्ट नोट्स वो होते हैं जो आपके सेकंड या थर्डीजन में बनते हैं अच्छा जब आप सेकंड थर्ड थर्डीजन देकर टेस्ट देते हो तो आपको लगता है हाँ, ये टॉपिक मैं बोलता हूँ तो उसके शॉर्ट नोट्स बना दिए सर तो लास्ट मंथ में वही चीज़ आपको सिर्फ प्रिपेयर करना है सर बाकी आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड में है जब आप क्वेश्चन देखोगे सॉल्व करोगे पर ये जो आप भूल रहे हो इसी को आपको लास्ट मंथ में थोरोली रिवाइज करके टेस्ट अपने टेस्ट को रिवाइज करना लास्ट मंथ में ओके तो सर ये स्ट्रेटेजी आपको बनानी चाहिए लास्ट मंथ के लिए ओके और अगर आखिरी हफ्ते की स्ट्रेटेजी की बात करें तो सर जब पूरा साल आपने अच्छे से किया तो लास्ट वीक में कुछ कर नहीं पोगगे वैसे भी आप okay. तो लास्ट वीक में आप थोड़ा रिलैक्स रहें और वही आप नोट्स को सर देखते रहें टेस्ट okay. भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा लास्ट वीक में क्योंकि सर अगर आपका टेस्ट ख़राब हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है वो फिर okay. आपका एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट होता है बेस्ट ये कि लास्ट वीक में आप थोड़ा चिल रहे ये ना बिल्कुल किताब बंद करके बैठ जाए सर नॉर्मली थोड़ा थोड़ा देखते रहे नोट्स को अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और कॉन्फिडेंट रहे अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें बस ओके

सर क्या कहूँ कमाल का इंसिडेंट हुआ था मेरी लाइफ में सर थ्रू आउट बचपन से सर जब पढ़ता था तो एग्ज़ाम से पहले काफ़ी डर लगता था सर, सर okay. मेहनत बहुत करता था सर पर उतना रिजल्ट नहीं आ पाता था क्योंकि सर डर बहुत था सर सेम चीज़ ट्वेल्थ के एंट्रेंस में एन में मेरे साथ हुआ वो आई आई में मेरे साथ हो रैंक नहीं आ पाया इतना अच्छा तो सर ये सब एक्यूमलेट होते होते फिफ्थ सेमेस्टर में मुझे सर ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर इसको ओ भी कहते हैं अच्छा सर वो इतना पीक पे हो गया था कि जिसकी वजह से सर मेरा फिफ्थ सेमेस्टर मिस हो गया था ओके okay. सर कम्प्लीटली फिफ्थ सेमेस्टर मिस हो गया था सर मेरा सर उसके उस इंसिडेंट ने सर मुझे काफ़ी हिम्मत दी जब तो उससे मैंने फाइट किया और जब मैं वापस आया तो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर थे एक डॉक्टर जावेद अहमद नकाश ओके okay. सर उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया सर इस चीज़ से निकलने के लिए उनके हेल्प से सर मेरा एक साल वेस्ट होते, होते होते रह गया अगर मेरा फिफ्थ सेमेस्टर मिस होता तो ऑटोमेटिकली मुझे वापस थर्ड ईयर में एडमिशन लेना पड़ता बिल्कुल तो मेरा एक साल वेस्ट हो जाता तो सर इसने इतनी हिम्मत दी कि मैंने एट्थ सेमेस्टर में प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी प्रोजेक्ट अपना किया सर छः सब्जेक्ट फिफ्थ सेमेस्टर के और चार सब्जेक्ट फाइनल सेमेस्टर के सर कम्प्लीट किया सर जब मैंने इतना बर्डन हैंडल कर लिया उस टाइम मुझे यकीन हो गया कि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का बर्डन भी हैंडल कर पाऊंगा अच्छा सो so, उस जो इंस्टेंट ने जो मेरी हेल्प की सर उसी की वजह से मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आया कि मैं परसिस्टेंट बना पॉजिवरेंस आया जिसकी वजह से मैं मैं सर पूरा प्रिपेयर था मेंटली कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कितने साल लग जाएंगे पर ये एग्जाम जब तक मैं क्रैक नहीं करूंगा मैं अटैम्प्ट देता ही रहूंगा ओके okay. तो सर सेकंड अटेम्प्ट में ही मेरा क्लियर हो गया तो ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था यस सर ओके मींस यू हैव सीन फेलियर्स आल्सो यस सर एंड आफ्टर दैट आप यहां तक पहुंचे यस yes, सर अमर आप ये बताएंगे आप में कोई ऐसी यूनिक क्वालिटी जो आपको टॉपर बनाती हो सर मेरे हिसाब से तो हम बोलते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में हार्ड वर्क चाहिए सर हार्ड वर्क तो लगता है बट मेरी एक क्वालिटी सर वो था मेरा टेम्परामेंट ओके okay. सर मैं डिसाइडेड था कि मुझे एग्जाम करना ही करना है मुझे फ़र्क नहीं था कि कुछ होते हैं कि मैं एक अटैम्प्ट देखूंगा दो अटैम्प्ट देखूंगा फिर बैंकिंग का पेपर देख लूंगा एक बैकअप ले लूंगा सर मैंने बैकअप के बारे में कभी सोचा ही नहीं मैंने कभी okay. नहीं सोचा कि मुझे फील्ड चेंज करनी है या मुझे कोई छोटी जॉब लेनी है फिर मैं इस मैं सर जब एग्जाम जब तक क्रैक नहीं होता मैं इस पर लगा ही रहूंगा तो सर ये क्वालिटी ने शायद मुझे टॉपर बनाया एक ही टारगेट था आपके माइंड में ओके सर गेट का भी कभी मैं सीरियस नहीं था वो ड्यूरिंग द पार्ट मैंने गेट ऐसा अटैम्प्ट दे दिया था Okay. स्पेसिफिक स्टडी नहीं की मैंने मतलब यही एग्जाम आपको देना yes, था और इसी के लिए आपने तैयारी करी yes, और अल्टीमेटली आपने इसको क्रैक yes, कर लिया yes, बहुत ही बढ़िया अमर सो so, अमर अभी तक तो पूरा सेशन हमारा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था yes, आ, हमने पूरा कंसंट्रेशन किया इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऊपर अब हम चलते हैं एक फन सेक्शन की तरफ रेपिड फायर राउंड है आई एल बी थ्रोइंग अप सम क्वेश्चन टू यू आपको उनको इमीडियटलीस्पॉन्स करना है बिना ज्यादा उनके बारे में कुछ सोचे हुए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को इफ यू लर्न एनी लैंग्वेज फ्लुएंटली आप चलिए बहुत बढ़िया uh, uh, जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती हैं यू वुम और लीव देम ना हो तो फिर, रिप्लेस।, फिर रिप्लेस कर देंगे

व्हाट इज द ड्रीम जॉब सिलेक्ट हो गया इंजीनियरिंग सर्विसेज इंजीनियरिंग सर्विस यही आपकी सबसे पहले सर जो स्टेटस होता है का और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी okay. होती है आप पे सर वो इसको यूनिक बनाते हैं बाकी से exactly. और आपने भी बताया भी था कि yes, कैसे लोगों का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया एक दिन के अंदर चलिए करना बस लास्ट ईयर काफी रिलैक्स रहा था सर काफी पेपर पोस्टपोन हो रहे थे

लोगों yes. के दिमाग में जो चल रहा है वो पढ़ना चाहते हैं आप चलिए अमर लट सपोज जो डिपार्टमेंट आपने चूज किया इंजीनियरिंग सर्विसेज में सर। उसका आपको हेड बना दिया जाता है एक दिन के लिए सर। आ, आप क्या चीज करना चाहेंगे सर सबसे पहले तो जो सर लोएस्ट वर्कर्स जो काम करते हैं सर

इन देंड आपको अपने लिए सिर्फ़ एक ही वैकेंसी चाहिए चाहे वो दो सौ हो चाहे पाँच सौ हो आपको सिर्फ़ एक ही लेनी है बस अपने बेसिक्स पर स्टिक रहिए अपने माइंड को प्रिपेयर करें हार नहीं मानी और डेडिकेटली प्रिपेयर करते रहें तो एक ना एक दिन आप एग्जाम जरूर क्रैक कर पाएंगे आ, अमर आ, आ, वैसे तो मैं कंटिन्यू करता आगे आपने ये जो बोला कि आपको तो एक ही वैकेंसी चाहिए अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ बोलता हूँ कि आपको एक ही वैकेंसी चाहिए तो आपको उसी के लिए फ़ाइट करना है तो इसका जो रिस्पांस आता है एस्पिरेंट्स का वो ये है कि ये बात है ना बोलने में सुनने में तो अच्छी लगती है पर प्रैक्टिकली कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है और अगर सीटें कम होती जाएंगी तो अल्टीमेटली हमारे सेलेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं तो इस पर आपका क्या टेक है सर उसके लिए तो सर मैं खुद ही लाइव एग्जाम्पल हूँ जब मैंने सर प्रीलिम्स दिया था इस बार का उस टाइम पे रेलवे की वैकेंसीज इंक्लूडेड थी ओके okay. तो जो मेरे मार्क्स थे वो 250 गुड थे उस कट ऑफ के हिसाब से बट जब प्रीलिम्स होने के बाद रेलवे ने वैकेंसी ड्रॉ कर दी तो मैं सिर्फ बाउंड्री पे ही था उस टाइम पे भी सर मैं डिमोटिवेट हुआ था पर मैंने फिर भी फाइट किया और इन द एंड में सिर्फ सिलेक्शन ही फोर्टियथ रैंक आया तो मेरे okay. लिए तो एक वैकेंसी मिली गई ना सर अगर मैं भी कम वैकेंसी सोचता इस बार भी सर वन बच्चे सिर्फ सिलेक्ट हुए हैं ओके तो सर फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता आप बस अपने हार्डवर्क पर यकीन करें सिलेक्शन तो सर होना ही होना है

Uh, अपने फ्रेंड को या किसी और टॉपर को टैग कर सकते हैं जिसको आप चाहते हैं कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी जर्नी को शेयर करें तो सर मैं टैग करना चाहूँगा इस साल के रैंक फोर अनिश बग्गा को ओके okay. सर उनको मैं टैग करना चाहूँगा सो uh, so, अनीश वी लुक फॉरवर्ड टू जॉइन अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड शेयर योर जर्नी एंड एक्सपीरियंस विद अदर देंट्स हम चाहेंगे कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आएँ और अपनी जर्नी और एक्सपीरियंस को शेयर करें बाकी एस्पेरेंट्स के साथ सो अमरजीत वट वॉज द एक्सपीरियंस कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म सर एक तरह से ड्रीम कम ट्रू था क्योंकि सर मैं ड्यूरिंग में होल प्रिपरेशन में इसकी वीडियोज देखता रहा था टॉपर्स जैसे नमी जैन सर हो गए okay. और भी गेट टॉपर्स हो गए आई एस टॉपर्स हो गए तो मैं सोचता था क्या कभी मेरा भी मौका मिलेगा इसमें जाने का तो सर so, आज वो मेरा ड्रीम पूरा हो गया सर ओके अमर जब आपने ये बोला कि मेरा एक ड्रीम था इनफैक्ट जब ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ था तो मेरे माइंड में भी आता था कि कि जब मैंने क्लियर किया था इंजीनियरिंग सर्विसेज तो अगर यही प्लेटफॉर्म होता तो मैं भी यहाँ पे इंटरव्यू देने जाता बिल्कुल सर ये प्लेटफॉर्म बहुत मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को हार्ड वर्क करने के लिए सर ओके okay, बट uh, मैं इंटरव्यू तो नहीं दवाया बट इंटरव्यू ले जरूर रहा हूँ यहाँ पे सो दैट्स ई वे सो जैसा uh, अमर ने बताया कि आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है आपको एक सिंगल टारगेट रखना है अपने सामने उससे डेविट नहीं होना तो डेफिनेटली आप अपने गोल पे रीच कर जाएंगे हाँ उसमें देरी हो सकती है डिले हो सकता है बट वन डे डेफिनेटली यू विल बी रीचिंग टू योर गोल सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम अस हेयर थैंक यू एवरी वन